हेलो गाइस, आप सभी का विवेक वैली में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही खास चर्चे या संवाद पे बात करने जा रहे हैं, जो कि महाभारत काल में श्री कृष्ण और दानवीर कर्ण के बीच में हुआ था। तो बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। महाभारत के युद्ध में अपनी मृत्यु से पहले कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे सभी भाइयों को गुरु का प्यार मिला, आपका आशीर्वाद मिला, समाज में पहचान मिली, वो धर्म के मार्ग को जानते थे, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, ऐसा अन्याय क्यों? कर्ण भगवान कृष्ण से पूछते हैं, मेरी माँ ने मुझे उसी क्षण छोड़ दिया जब मैं पैदा हुआ था, क्या यही मेरी गलती है कि मैं एक नाजायज बच्चा पैदा हुआ? मुझे द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मुझे क्षत्रिय नहीं माना जाता था। परशुराम ने मुझे सिखाया लेकिन फिर मुझे सब कुछ भूल जाने का श्राप दे दिया जब उन्हें पता चला कि मैं क्षत्रियायन कुंती का पुत्र हूँ। एक गाय गलती से मेरे तीर से लग गई और उसके मालिक ने मुझे बिना किसी गलती के श्राप दे दिया। यहाँ तक कि द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरी बदनामी हुई थी। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण कर्ण को जवाब देते, कर्ण मैं एक जेल में पैदा हुआ था, मेरे जन्म से पहले ही मौत मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात में मैं पैदा हुआ था, मैं अपने जन्म माता पिता से अलग हो गया था। आप बचपन से ही तलवारों, रथों, घोड़ों, धनुष, बाणों का शोर सुनकर बड़े हुए हैं। चलने से पहले ही मुझे अपने जीवन पर केवल गाय के झुंड, गोबर और न जाने मुझे जान से मारने के लिए कितने तरीके अपनाए गए, जबकि मैं उस समय ठीक से चल भी नहीं पाता था। ना ही मेरे पास कोई सेना थी, ना शिक्षा। मैं लोगों को यह कहते हुए सुन सकता था कि मैं उनकी सभी समस्याओं का कारण हूँ। आपकी वीरता को देखते हुए आपके गुरु ने आपकी बड़ाई की, तब मुझे कोई ज्ञान भी नहीं मिला। मैं 16 साल की उम्र में ही ऋषि संदीपनी के गुरुकुल में शामिल हो गया था। आपने अपनी पसंद की लड़की से शादी की है। मुझे वह लड़की नहीं मिली जिससे मैं प्यार करता था, बल्कि मैंने उसे शादी कर ली जो मुझे चाहते थे या जिन्हें मैंने राक्षसों से बचाया था। मुझे अपने समाज को जरासंध से बचाने के लिए यमुना के किनारे से दूर समुन्द्र के किनारे ले जाना पड़ा। मुझे कायर भी लोग कहने लगे क्योंकि मैं वहां से जा चुका था। यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाते तो आपको बहुत श्रेय मिलेगा, धर्मराज के युद्ध जीतने पर मुझे क्या मिलेगा, केवल युद्ध और सभी संबंधित समस्याओं के। एक बात हमेशा याद रखना कर्ण, जीवन में हर किसी के सामने चुनौतियां होती है। जीवन किसी पर भी उचित और आसान नहीं है, लेकिन क्या सही है आपके मन के लिए वो आप समझ सकते हैं। हम कितने भी नाइंसाफी करें, कितनी बार भी बदनाम हुए, कितनी बार गिरे, असल में आपने उस समय क्या प्रतिक्रिया दिया वो उचित हो सकता है। जिंदगी की नाइंसाफी आपको गलत रास्ते पर चलने का लाइसेंस नहीं देती है। गाइज, हमेशा याद रखिए, जीवन कई पहलुओं पर कठिन हो सकता है, लेकिन भाग्य हमारे द्वारा पहने जाने वाले जूतों से नहीं, बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से बनता है। तो गाइज, कैसी लगी आज की ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए विवेक वैली को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।